बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर SRCC GBO पे एक वीडियो बना दो, जस्ट टू गिव अस लिटिल आइडिया कि क्या करना है, अप्लाई करें या ना करें। सो गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट SRCC GBO इन डिटेल्ड मैनर। आपको बताऊंगा इसको एक्चुअली आपको अप्लाई कैसे करना है, हु शुड बी अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम, और एग्जाम देना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद SRCC GBO। गाइस, पहले कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ बिफोर वी मूव इट। पहली बात, अगर हम बात करेंगे SRCC के बारे में, गाइस एक एज अ ब्रांड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, SRCC एज अ ब्रांड। ओके, SRCC GBO, दे आर डूइंग गुड, दे आर वर्किंग हार्ड। ये जो प्रोग्राम है गाइस, आई रिमेंबर ये कम से कम 10 से 12 साल पुराना प्रोग्राम है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका ग्रोथ हुआ है। इनकी प्लेसमेंट पकड़ लो, इनकी बैच साइज पकड़ लो, इनका क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट पकड़ लो, या फिर जॉब प्रोफाइल्स वगैरह के बारे में अगर हम बात करेंगे, इनका डेफिनेटली ग्रोथ हुआ है। एंड बहुत सारे बच्चे हैं, वेदांत करके हमारा एक बच्चा था जिसने SRCC GBO में टॉप करा था, सो फीडबैक एक बहुत अच्छा खासा मिलता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो अगेन, ब्रांड वाइज ये बहुत ज्यादा काम करता है। नंबर वन, इसको SRCC का ब्रांड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे सिम्बायसिस के बारे में, अगर हम बात करेंगे NMIMS के बारे में, राइट, तो ये जो ब्रांड्स हैं, इनके MBAs तो है ही है गाइस, बट इनका जो अंडर ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम होता है, इवन दे आर सॉलिड, राइट। एंड SRCC के बारे में बात करेंगे गाइस, SRCC का ग्रेजुएशन इज वन ऑफ द बेस्ट, इट इज इंटरनेशनली रिनोन्ड, राइट। आई रिमेंबर लाइक यू नो, व्हेन आई वाज वर्किंग विद डॉयचे, हमारे जो जूनियर्स होते थे वो SRCC से प्लेस होते थे, राउंड अबाउट लाइक यू नो, एक बॉम्बे में प्लेसमेंट होता था, एक लंडन डेस्क में होता था, सो दे वर लाइक वी यूज्ड टू हायर राउंड अबाउट टू थ्री किड्स ऑन अ ग्रेट पैकेज। तो ये जो है ना, ये ब्रांड आपको हेल्प करता है आपके MBA के लिए भी, राइट। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड टू सॉर्ट ऑफ यू नो मूव अहेड। नाउ लेट्स गो अहेड, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। एंट्रेंस जो है इसकी 7 मार्च को होगी, आपके पास एक पूरा महीना अभी भी बाकी है, 2 घंटे की एग्जाम है, शुड बी सॉर्टेड। एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं गाइस, इसका लास्ट डेट जो है वो है 6th of February, आज है अपना राउंड अबाउट 4th February, 4th, 5th, 6th, आपके पास अभी भी 2 दिन बाकी है, आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये भरना है कि नहीं भरना है। आगे चलेंगे, इसके नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करके, 90, यार आई रिमेंबर इन लोगों ने चालू करा था 40 से मेरे ख्याल से इन लोगों ने चालू करा था, एंड देयर लाइक रीच 90 नाउ, 80,000 पर सेमेस्टर। फीस इतनी ज़्यादा है नहीं, इकोनॉमिकल है, इतने ज़्यादा डीप पॉकेट्स की जरूरत नहीं है आपको, तो वो भी उस प्रकार देखा जाए तो भी यार ये फीस थोड़ी सी अच्छी खासी है। मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट है आपको, और यहाँ पे SC ST बच्चों के लिए, OBC PWD बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसकी एग्जाम ऑनलाइन होती है गाइज, 160 क्वेश्चन आते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मार्किंग स्कीम है इसकी +4 -1 नॉर्मली जो होती है, 640 का आपका पेपर होता है, ठीक है। पूरी की पूरी एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है। अब इसके थोड़े डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। सी गाइस, जब हम बात करते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन के बारे में, विच इज SRCC GBO, ये एग्जाम इजी लेवल से लेके मॉडरेट होता है, एंड डेफिनेटली ये आपका जो एग्जाम है ये पूरा का पूरा स्पीड बेस्ड होता है। आपको 160 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, दैट इज राउंड अबाउट अगर हम बात करेंगे, आपके पास 120 मिनट्स है, एंड देन यू गॉट 160, सो एग्जाम डुएबल होता है, एग्जाम ईजी होता है। बट अगेन, आप ऐसा नहीं होता कि आपको यू नो टॉप 1% में या 2% में ही आने की ज़रूरत है। अगर आपको यहाँ पे कॉल आ जाती है, अगर आप GDPI के लिए बैठते हो और अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, देन आई थिंक यू शुड बी सॉर्टेड, यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। बट हाँ, आपका स्कोर ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके सेक्शन बाय सेक्शन के बारे में, अगर आप बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, तो यार यहाँ पे RCC लेके तुम्हारा राउंड अबाउट यू नो ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, तुम्हारा क्रिटिकल लिसनिंग हो गया, यू विल सी एवरीथिंग कमिंग इन टू दिस, बिकॉज देयर आर 40 क्वेश्चंस पर सेक्शन, तो आपको एक अच्छा खासा चंक मिलता है। 40 क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने वाली है। तो यार अगर आपने ग्रामर करा होगा, अगर आपको RC आते हैं, पैराजम्बल वगैरह आते हैं, सो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों का यहाँ पे अच्छा खासा मिक्सचर होता है, स्कोर करने के लिए आपको ये पॉसिबल चीज़ें हो जाती है। व्हाट आई एम गोना डू इज बेसिकली, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ कि किसने ये करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जो बाकी वीडियोस आएंगे SRCC GBO पे, वहाँ पे हम हर एक सेक्शन को डीकोड करेंगे बड़े अच्छे से, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यार इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आती है, एंड उसका स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ। सो एज ऑफ नाउ अगर बात करेंगे, डुएबल होता है, इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। क्वांट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सेम फंडा भाई मेरे, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स। अगर हम बात करेंगे तो AAG डोमिनेटेड होता है, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ। अगर आपने कैट, जैट, एनमैट, सीमैट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये भी आपका निकल जाएगा। अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है जब हम क्वांट्स के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इट्स द सेम थिंग, नथिंग ग्रेट एट सच, इट्स जस्ट द स्पीड दैट मैटर्स अ लॉट यू नो व्हाइल यू गो फॉर SRCC GBO। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जाम। दूसरी एक चीज अगर मैं बात करूं,
फॉर द फैक्ट अगर आपने बहुत ज्यादा एग्जाम्स दी, आई मीन आप दे ही रहे हो, आपने दी भी होगी, तो मुझे लगता है एक एग्जाम आपकी किटी में ऐड करना कोई बड़ा काम हो सकता है. बिकॉज देखो यार, सिंपल सी बात है, आपने जो स्नैप में पढ़ा, आपने जो एनमैट में पढ़ा, वो आपको यहाँ पे काम करेगा. प्लस आप अभी सीमैट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, वो वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे एक्चुअल में हेल्प कर सकती है. जहाँ तक SRCC का सवाल है, मैंने देखा है नॉर्थ वाले जो हमारे बच्चे हैं, नॉर्थ में बड़ा पैशन है SRCC को लेके, बिकॉज डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल आउट देयर इन द UG कैटेगरी, राइट. सो बहुत सारे बच्चे नॉर्थ साइड से अप्लाई करते हैं SRCC के लिए. मैं ये कहूँगा कि अगर आप डेफिनेटली एक अच्छा ब्रांड देखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि नो सर कैट बेकार गया, NMAT स्नैप में कुछ हो नहीं पाया, अगर आप देखते हो कि अगर आपको आपके हाथ में स्नैप में मान लो SIMS का ऑप्शन है, SIMC का ऑप्शन है, यार आई वुड अर्ज यू कि आप SRCC पे एक बार फोकस करो. अगेन यू नो हमारा इनके साथ कोई टाइप नहीं है, SRCC को मैं प्रमोट नहीं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. ऑनेस्टली आप देखोगे SRCC के साथ, आई मीन वी डोंट हैव एनी रिलेशन एसेज, मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको प्रमोट करता हूँ. अदरवाइज यू वोंट सी यू नो SRCC स्टूडेंट्स कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड टॉकिंग अबाउट अस और एनीबडी एल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू नो आई एम गिविंग यू दिस आइडिया बिकॉज मुझे लगता है एक एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है, मुझे लगता है कि यार यू नो ये चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प करेगी. अगर SIMS में देखता हूँ, SIMC, SIC, SR, आई थिंक SRCC GPO वुड बी अ बेटर ऑप्शन. बट अगेन अगर आप SRCC के बच्चे हो, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के, और अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, और मेरे बच्चों को, मेरे जो फॉलोवर्स है C2C के चैनल के, उनको भी आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, राइट. चलो आगे चलते हैं. अगर हम बात करेंगे लॉजिक एंड DI, अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी मच स्पीड बेस्ड. तो अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक शॉट बनता है, बिकॉज कुछ अलग नहीं करना है हमें, ना ही हमें GK वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, जो है वही है, बस थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड चलना है, बाकी वो आई टेक केयर ऑफ इन द प्रोग्राम. वी एनीवे हैव SRCC GBO का कोर्स, वी ऑल्सो हैव गाइज सेपरेट मॉक्स फॉर SRCC GBO. बहुत कम इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जिनके पास SRCC GBO की मॉक्स है, वी आर वन ऑफ देम. दीज आर ऑल अपडेटेड मॉक्स, एग्जैक्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आपको मॉक्स मिलेंगे, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम स्ट्रेटजीज विद यू. बच्चे हर बार कहते हैं कि जैसे आपकी स्ट्रैटेजीज होती है वो हर एक एग्जाम के लिए काम आती है, सो SRCC GBO के लिए भी मैं आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाला हूँ, एंड इट विल वर्क फॉर यू, दैट्स फॉर श्योर, राइट. गाइस मूविंग अहेड, इसका एडमिशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है. इसका 75% वेटेज जो है वो आपके स्कोर को जाता है SRCC GBO की जो एग्जाम है. इसलिए अगर आपने यहाँ पे अच्छा कर लिया, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड. PI 15%, GD 10%, ये मैं देख लूंगा, इसका को आप लोड मत लो. आप बस मुझे यहाँ पे स्कोर ला के दो, GDPI आई टेक केयर ऑफ यू. डोंट वरी, कितने भी स्मार्ट बच्चों के साथ अगर आपका कॉम्पिटिशन होगा, आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट कि आप जाके फोड़ के आओगे. आगे चलेंगे, ये कुछ रिजर्वेशन की मुझे थोड़े से नंबर्स मिले हैं, ये थोड़े से ऑफ भी हो सकते हैं, बट मैंने कहा एक जनरल आइडिया देना बच्चों को जरूरी है. तो यार जनरल है, EWS है, SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है, OBC 27% है, एंड गाइज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बिकॉज फॉर द फैक्ट इट इज नोन एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी थिंग, ये आपके लिए बहुत काम करेगा, राइट. आगे चलेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं. आप लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइज, ऑलवेज रिमेंबर इसकी क्वालिटी याद रखना, ठीक है. इसकी क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट इज एक्चुअली गुड. हाँ, क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट इज एक्चुअली गुड. दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार अगर आप नंबर देखते हो पैकेजेस का, ठीक है, पैकेजेस का नंबर 10.5 एवरेज है, हाईएस्ट इज राउंड अबाउट तकरीबन 19 लाख के नज़दीक है. बट अगर आप रोल्स के बारे में बात करोगे, तो रोल्स यहाँ पे ठीक ठाक आते हैं, राइट. तो अगर आपको SRCC GBO चलना है, आज अगर आपके पास मान लो NMIMS इंदौर या फिर NMIMS नवी मुंबई है, और अगर आपके पास मान लो SIMS SIMC सॉर्ट ऑफ बी स्कूल्स है, राइट, और अगर आप CMAT जाते हो, तो CMAT के साथ आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे खासे से. देर इज नथिंग रॉन्ग इन गिविंग अ शॉट टू इट, होता है बहुत अच्छा है. दूसरी बात, जब आप MBA करके निकलोगे, आपके रिज्यूमे पे SRCC आएगा, एंड SRCC पूरी दुनिया जानती है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड आपको हेल्प करेगा इवेंचुअली. प्लस इनका एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा खासा है. मैं मानता हूं कि MBA प्रोग्राम जो है GBO वो इतना तोड़ नहीं है जब मैं बात करता हूं UG के बारे में, बट इवेंचुअली ये पिकअप कर लेगा. दूसरी बात, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है. देन इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ जेनमैन वाला प्रोफाइल, राइट. एक छोटी सी वीडियो बनेगी उसके बारे में भी, तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना. बट अगेन जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया, इट्स अ गुड बी स्कूल, दैट इट्स एन एग्जाम दैट यू शुड गो फॉर. CTC अगर मैं टॉप 25% बच्चों के बारे में देखूं, 16.5 लाख है. टॉप 40% के बारे में देखूं, राउंड अबाउट 15 लाख है. देखो दूसरा रीजन ये भी है गाइस, यहाँ पे इनके नंबर्स इतने अट्रैक्टिव क्यों है, बिकॉज अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे नंबर्स अट्रैक्टिव है बिकॉज बैच साइज बहुत छोटा है. तो 90 लोगों में यार हो यार, मतलब 90 लोगों से तुम 89 लोगों से कॉम्पिटिशन कर रहे हो, राइट. दैट्स रियली गुड थिंग. आई मीन इतना कम साइज आपको नहीं मिलेगा किसी भी स्कूल में, राइट. तो अगर मैं बात करता हूँ, आपको टॉप 25 में आना है,
राइट, आपको अगर टॉप 25 में आना है यार, आपको पहले 22 या पहले 23 बच्चों में रहना है, आप आराम से कर सकते हो राइट. अगर मैं टॉप 40 भी पकड़ लेता हूँ, 36, टॉप 36 में आपको रहना है, एंड दिस इज व्हाट यू कैन गेट इनटू. इसकी फीस बहुत कम है, इसका आरओआई बहुत तगड़ा है. सो गाइज, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके लिए अभी फिलहाल फाइनेंशियल थिंग्स मैटर करती है, प्लस ज़्यादा पैसा नहीं देना है, बट यार एक अच्छा भी स्कूल चाहिए, एक डीसेंट सी मुझे प्रोफाइल चाहिए जिसके साथ मैं अपना लाइफ चालू करूँ, SRCC GBO इज द बेस्ट ऑप्शन. ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, आई ऑलवेज ट्राई इन माई वीडियो कि मैं जो भी बच्चों को बताऊँ वो सही से बताऊँ. सो यार मुझे लगता है आप SRCC GBO के लिए एक बार ही ट्राई करो. दूसरी बात, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो राइट, सो मेरे चैनल पे स्ट्रैटेजी वगैरह के वीडियोस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो वो सपोर्ट हमारे हमारे तरफ से आपको रहेगा ही रहेगा. ऑल्सो वी गॉट दी स्पेशल मॉक्स फॉर SRCC GBO. वी ऑल्सो हैव ए प्री रिकॉर्डेड सॉर्ट ऑफ एक कोर्स है हमारा जहाँ पे हम SRCC GBO के बारे में आपको बताएंगे. सो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है SRCC GBO क्रैक करने के लिए, मॉक्स हो गया, आपका लाइव सेशंस हो गए, रादर आप रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, और GDPR हो गया राइट, ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं हमारे पास. सो गाइस, इफ यू जॉइन अस फॉर SRCC GBO, यू कैन डू दैट वेरी वेल, बट थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, इवैल्यूएट करना आपके पास अभी फिलहाल क्या ऑप्शंस है और कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए. गाइस, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया SRCC GBO के ऊपर. अगर आपको और कुछ वीडियोस चाहिए, काइंडली कमेंट कर देना, आई विल मेक दिस वीडियोस फॉर यू गाइस. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.